गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी अभी तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बातें की थी कि कौन सा फूड मटेरियल जो है जिसका डाइजेशन जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में किस टाइप से होगा और उनके जो एंड प्रोडक्ट होंगे। लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आप जो भी ईट करते हैं उनका मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्जन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी टाइप से आप बात करते हैं फैट्स की तो फैट्स जो है वो ग्लिसरोल्स के अंदर और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स की फॉर्म में जो है वो जनरली कन्वर्ट हो जाता है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल जो सब्सटेंस या सिंपल जो फूड मटेरियल था, यही मान लें कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो सिंपल में कन्वर्ट हो गया था, उन सिंपल फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में किस टाइप से होगा और इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन से मेथड से होता है, उसका डिस्कशन आज के टॉपिक में अपने करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है उसको समझने से पहले आप लोग कुछ पॉइंट जो है वो देखें बेटा। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की बात करें तो ये अपने को कह रहा है कि थ्री मेथड्स जो है वो एब्जॉर्प्शन के अपने को मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा वो अपने को मिलेगा बाय डिफ्यूजन और थर्ड जो मेथड अपने को मिलेगा वो मिलेगा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है ना, तो ये थ्री मेथड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है उनके एब्जॉर्प्शन के अपने को मिलने वाले हैं। देखो एक्टिव मेथड में आप लोग डायरेक्टली ये बात कहेंगे कि एक्टिव में एनर्जी जो है वो यूज होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जबकि जो रिमेनिंग दोनों प्रोसेस है इनके अंदर एनर्जी कंजप्शन जो है वो नहीं होता। तो ये एक टाइप से कौन से मेथड है बेटा, पैसिव मेथड है। तो आप बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो टू मेथड से होता हो, तो एक्टिव और पैसिव। पैसिव की बात करें तो बाय सिंपल डिफ्यूजन और वी कैन से बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वाइल इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन देर आर एनर्जी यूज ऑफ एनर्जी और वी कैन से यूज ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो एक बार इनका ब्रॉडली आप लोग देखें कि किस टाइप से थ्री मेथड जो अपने डिस्कशन करने वाले हैं उनकी बात आगे करेंगे। देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन में बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और वी कैन से इनटू द लिम्फ। यानी अपने को पता था कि जो म्यूकोजल पार्ट था उस म्यूकोजल पार्ट से जस्ट आउटसाइड का पार्ट जो था वो सब म्यूकोजा था और उस सब म्यूकोजा के अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो मिलने वाली थी। तो ये कह रहा है कि जो एंड प्रोडक्ट थे उन एंड प्रोडक्ट का उस म्यूकोजल पार्ट से, जैसे आप लोग इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये आपके एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी थी, ये म्यूकोजा था, ये इसके बाहर की तरफ सब म्यूकोजा था। तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो सिंपल पार्टिकल थे वो म्यूकोजा सब म्यूकोजा के अंदर जो ब्लड वेसल्स थी उन ब्लड वेसल्स के अंदर लिम्फ के अंदर जो पास आउट हो जाते हैं उसी को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। कितने मैकेनिज्म बता दिए, एक तो इसने पैसिव मेथड बता दिया, दूसरा इसने मेथड बता दिया एक्टिव मेथड, और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ये एक टाइप का स्पेसिफाइड पैसिव मेथड ही है बेटा। तो इस थ्री मेथड से इसने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बताई। आगे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, यानी इसने कहा कि कुछ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइडाइन आर जनरली एब्जॉर्ब बाई सिंपल डिफ्यूजन। यानी इनका जो कुछ अमाउंट जो है ग्लूकोज की, लाइकवाइज ग्लूकोज एग्जांपल दिया इसने अमीनो एसिड्स की और सम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका सिंपल डिफ्यूजन से क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है कि किस किस का सिंपल डिफ्यूजन से। आगे लिखा हुआ है द पासिस ऑफ दी सब्सटेंस इन टू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये कह रहा है कि इन सब्सटेंस का जो पास होना यानी एलिमेंट्री कैनाल के इस पार्ट से
किसके अंदर, सब म्यूकोजा के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में पास होना डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। देखिए बेटा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने प्लांट फिजियो से ही स्टार्ट कर रखा है, तब से ही अपने को पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है। अपने को पता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी नॉर्मल सी बात थी कि हाई टू लो तो इनकी मूवमेंट होनी ही थी, इट मींस ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और जब भी वर्क अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब आप बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म और वी कैन से इन दिस मेथड देयर आर नो यूज ऑफ एनी एनर्जी, यानी इसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये जो इन सब्सटेंस का जो डिपेंड है एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे कर रहा है। हाउएवर आगे लिख रहा है कि सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयन लाइक सोडियम, थस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यानी कुछ सब्सटेंस है लाइकवाइज इसने फ्रक्टोज एग्जांपल दे रखे, आप लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में करेक्ट करके इसको ग्लूकोज कर दिया था। तो सम मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज जो है वो कैरियर आयन्स की हेल्प से या सोडियम आयन के साथ में ये क्या हो जाते हैं बेटा, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनको आप बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड डिफ्यूजन, आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। तो इसने दो मेथड अपने को बता दिए, एक तो आपको बता दिया सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा बता दिया बेटा, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का बता दिया। दोनों के अंदर ही किसी भी टाइप की एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं होता। आगे लिख रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी वाटर जो है उसकी मूवमेंट डिपेंड करती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो बात कर रहे थे ना कि जब भी आप लोगों को अगेंस्ट काम करना पड़ेगा यानी लो टू हाई काम करना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी वो मेथड कौन सा होगा बेटा, एक्टिव मेथड जो है वो होने वाला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड हैंस रिक्वायर्ड एनर्जी वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड्स मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको इसने तीनों ही मेथड्स में दे रखा है, एक्टिव में भी दे रखा है, सिंपल डिफ्यूजन में भी दे रखा है और इवन फैसिलिटी डिफ्यूजन में भी, एनसीईआरटी की करेक्शन है जहाँ फ्रक्टोज की जगह क्या दे रखा है बेटा, ग्लूकोज को ही दे रखा है। आगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द दिस मैकेनिज्म। यानी कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि सर जो फूड मटेरियल थे उन फूड मटेरियल का थ्री टाइप से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन और बाय फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट और थर्ड एंड फाइनल आप लोगों ने मेथड बता दिया बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड से भी इनका क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है। तो कुल मिला के ये थ्री मेथड इसने बता दिए, एक बार आप इन थ्री मेथड्स का जो है स्क्रीनशॉट लें बेटा, उसके बाद अपने बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में किस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, देखो बेटा इस टेबल को ध्यान से देखें थोड़ा सा, ये कह रहा है कि माउथ पार्ट जो है अपना बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स है कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। यानी खास बात क्या है कि जो टंग की लोअर सरफेस और इसके अलावा म्यूकोजा होती है माउथ की, जो म्यूकोजा है उसके कॉन्टैक्ट में उसकी लाइनिंग में जो कैपिलरीज आ रही है उन कैपिलरीज के अंदर कुछ ड्रग्स का, सारी ड्रग्स नहीं सम ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इसी पार्ट में हो जाता है। आगे लिख रहा है कि स्टमक पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सिंपल शुगर एंड एल्कोहल। देखो इस चीज़ का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपके स्टमक के अंदर। थर्ड ये बता रहा है अपने को कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कौन बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज फ्रक्टोज फैटी एसिड्स ग्लिसरोल्स एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोजा इन टू द ब्लड स्ट्रीम्स
एंड लिम्फ, यानी लिम्फ और ब्लड के अंदर मैक्सिमम जो सब्सटेंस है उनका एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से के अंदर मैक्सिमम जो सब्सटेंस है उनका डाइजेस्टेड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन जो है, चाहे फैट हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो, चाहे ग्लूकोज हो, सबका एब्जॉर्प्शन इस मेथड इस पार्ट में ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। थर्ड ये फोर्थ वन पे बता रहा है अपने को कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सम ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इनका एब्जॉर्प्शन जाके होता है। तो कुल मिला के आप बोलेंगे कि अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड के जो एब्जॉर्प्शन का मेथड है वो थ्री मेथड आप लोगों ने बताया कि सर या तो एक्टिव मेथड से होगा, या पैसिव मेथड यानी सिंपल डिफ्यूजन से होगा, या फिर आपके भाई फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट मेथड से इनका एब्जॉर्प्शन होने वाला है। बट कौन से पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि बक्कल केविटी या माउथ पार्ट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें मेन चीज़ आ रही है आप लोगों का कि सम ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो सकता है, आपके बक्कल केविटी में। दूसरा पॉइंट आप लोगों से पूछते हैं कि रिमेनिंग ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा कि सर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिमेनिंग ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा बात करें कि स्मॉल अमाउंट जो है वाटर की और कुछ वाटर की और शुगर की जो है वो कहाँ होगी बेटा, वो स्टमक में होगी। वैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन की, और शुगर का कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके अलावा शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स एंड जो आपके लिपिड जो होगा, ग्लिसरॉल होगा या फैटी एसिड्स जो होंगे उनका एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन कौन सा है बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने को पता है विलाइज एंड माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, दीज माइक्रोविलाइज एंड माइक्रोविलाइज माइक्रोविलाइज एंड विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। सो द मेन ऑर्गन और वी कैन से मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन से पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा आगे आपके जो नोट्स हैं उनमें ये बता रहा है अपने को कि एब्जॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी, अपने को पता है कि बक्कल कैविटी के अंदर मोस्टली या तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा या फिर किसका होगा, सम ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा। तो आगे इसने लिखा हुआ है नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द ओरल एंड द इसोफेजियल कैविटी, ओनली सम केमिकल्स, मेडिसिन्स एंड अल्कोहल आर एब्जॉर्ब्ड इन ओरोफेरेंजियल कैविटी, यानी थोड़े बहुत मेडिसिन्स है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स जो है, और थोड़ा बहुत इसने कहा है कि अल्कोहल जो है उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो सकता है, बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर हो सकता है। आगे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, तो इसमें लिखा है कि इन स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम सॉल्ट, एल्कोहल, मेनली एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बेटा, स्टमक के अंदर होगा। ग्लूकोज एंड फ्यू ड्रग्स लाइक एस्प्रिन टेक्स प्लेस, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस इन द स्टमक, यानी स्टमक के अंदर एल्कोहल का ही कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी सब का क्या होता है बेटा, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है, हालांकि थोड़ी बहुत ड्रग्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ भी होता है। इसके अलावा इसने ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन इन ड्यूडोनियम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडोनियम पार्ट है, इसमें लिख रहा है कि आयरन एंड कैल्शियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडोनियम, आयरन और कैल्शियम का ही एब्जॉर्प्शन। वैसे अपने को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन का, जिसके अंदर सभी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा, बट ड्यूडोनियम पार्ट के अंदर लास्ट डाइजेशन होता है, यही मान लें कि डाइजेशन सबसे ज़्यादा इस पार्ट में होता है, इस वजह से इसमें एब्जॉर्प्शन की अमाउंट कम ही है। आगे लिखा है एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होता है बेटा, जेजुनम पार्ट के अंदर होता है, बिकॉज जेजुनम पार्ट है माइक्रोविलाइज एंड विलाइज। फिर इलियम पार्ट की बात करें, इस इलियम पार्ट में कह रहा है विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट जो है उनका पार्शियली क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। आगे इसने लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोल्ड्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ गट विच आर कॉल्ड विलाई एंड विलस इज यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये जो विलाई होती है यही बेटा क्या है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और इसी की वजह से आपके जो एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, और बेटा इन्हीं विलाइज जो है या माइक्रोविलाइज है उनके कांटेक्ट में आपके ब्लड कैपिलरीज होती है और या फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, और लार्जेस्ट ऑफ विच इज सेंट्रल लैक्टियल, और इन्हीं में लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लार्जेस्ट जो पार्ट है उसको बोल दिया आप लोगों ने सेंट्रल लैक्टियल या लैक्टियल सेल। दी सेल्स दैट लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ विलाई, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक
ब्रिस्टल लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर। दीज फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डाइजेस्टेड फूड्स। आगे लिख रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकोजल एपिथीलियम आर बिलियंस ऑफ सिंगल यूनिट यानी यूनिसेलुलर म्यूकोजल ग्लैंड्स आर कॉल्ड म्यूकस और गोबलेट सेल्स। दीज सेल्स मेनली सीक्रेट म्यूकस दैट एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट द एपिथीलियम सरफेस ऑफ डैमेज एंड डाइजेशन। ये आपके किसकी बात कर रहा है बेटा, कि एपिथीलियम सरफेस जो होती है उसको डाइजेशन से और उसे बचाने का काम कर रही है। आगे लिख रहा है कि द लाइनिंग सेल ऑफ द विलाई आर कॉल्यूमनर एपिथीलियम सेल्स कॉल्ड एंट्रोसाइट्स। यानी इस सेल को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोसाइट्स बोलते हैं। यानी जो आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सेल, आप लोगों ने ऐसे किया था कि ये सपोज दैट म्यूकोजल पार्ट था, ये ल्यूमेन थी, तो म्यूकोजल पार्ट के अंदर वाली साइड में आप लोगों को म्यूकोजल एपिथीलियम जो मिल रही थी, उस एपिथीलियम में आप लोगों ने डिस्कशन किया था सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथीलियम थी। और तो इन्हीं सीलिएटेड, सीलिया का मतलब विलाई प्रेजेंट है, और कॉलुमनर एपिथीलियम सेल्स है जिनको आप क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोसाइट्स नेम देते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ एंट्रोसाइट्स न्यूमरस माइक्रोविलाइज आर फाउंड, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और ये सरफेस एरिया ही क्या करता है बेटा, फूड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बढ़ाने का काम करता है। आगे लिखा है इसने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और इस कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो किस टाइप से है। हालांकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट अपने कर लिया कि किसके अंदर किस टाइप से इसका जो डाइजेशन होता है, किस टाइप से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक बार आप इसकी रीड जो है वो 100% कर लेना। इसने वो मेथड दे रखे हैं कि एक्टिव मेथड से किसका होगा, किस टाइप से उसका एक्टिव मेथड से एब्जॉर्प्शन होगा। एक बार आप इसका अपर वाले का स्क्रीन शॉट लें बेटा, फिर अपना डिस्कशन करते हैं कि इसमें किस टाइप से इसने दे रखा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को। देख बेटा ये बात कर रहा है, द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट और फूड इज यूजुअली स्टार्च। जनरली आप कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में किसको लेते हैं, स्टार्च फ्रॉम राइस और व्हीट, दोनों से आपको स्टार्च मिलता है, विच इज ब्रोकन डाउन बाय द पैंक्रियाटिक एमाइलेज। डाइसेक्राइड्स आर ब्रोकन डाउन टू देयर मोनोसेक्राइड्स बाय द एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंट्रिकस, या फिर आप बोल सकते हैं कि बाय द एंजाइम्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यानी सक्कस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम डाइसेक्राइड को मोनो में कन्वर्ट कर रहे थे, और इसके अलावा आपने बोला कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो था वो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहा था। आगे इसमें लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब बाय द कैपिलरी ब्लड विद द विलस या विलाई टू फाइनली रीच इन टू द पोर्टल वेन। यानी ये जो फूड मटेरियल है मोनोसेक्राइड जो है, उनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये ब्लड कैपिलरीज के साथ में कहाँ पहुँच जाएंगे, लीवर में पहुँच जाएंगे। यानी पोर्टल वेन्स के थ्रू कहाँ जाने वाले हैं बेटा, ये लीवर में जाने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकर्स अलोंग विद सोडियम आयन बाई एक्टिव सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। देखो आप लोगों ने कहीं सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो सिम्पोर्ट को आप को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्लूकोज का सोडियम के साथ एक्टिव मेथड से सिम्पोर्ट हो सकता है, एंड फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय द फैसिलिटी डिफ्यूजन। फ्रक्टोज जो सोडियम के साथ फैसिलिटी डिफ्यूजन से, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज हायर इन द सेल्स। यानी ग्लूकोज की ऑलरेडी सेल्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई या लो, तो लो टू हाई के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, एक्टिव मेथड ही चाहिए। वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज इज लो इन सेल, और फ्रक्टोज जो है उसकी यहाँ लो होती है, यहाँ हाई होती है एलिमेंट्री कैनाल में, तो इस वजह से ये हाई टू लो अपने आप चली जाएगी, मतलब आपके कौन सा फैसिलिटी डिफ्यूजन से चली जाएगी। इसके बाद ये कह रहा है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का किस टाइप से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, ऑल दीज प्रोटीन्स आर एक्सपोज टू पेप्सिन। पहले प्रोटीन पेप्सिन में, ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो है उनके ऊपर आप लोग ये एंजाइम जो है वो वर्क करेंगे प्रोटीन्स पे, एंड एज ए रिजल्ट दे कन्वर्ट इनटू ट्राई एंड डाई पेप्टाइड्स और फ्री अमीनो एसिड्स। यानी इससे क्या बन जाएगा बेटा, या तो ट्राई पेप्टाइड बनेंगे या डाई पेप्टाइड बनेंगे, या फ्री अमीनो एसिड जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, क्योंकि अमीन को प्रोटीन के डाइजेशन से बेटा किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन ही होगी।
अमीनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, एक तो एल अमीनो एसिड्स होते हैं और एक होते हैं डी अमीनो एसिड्स। एल और डी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन सॉरी आर ग्रुप जो, उसके बेस पे आप लोग इनको क्या कर रहे थे, एल और डी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि एल अमीनो एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एंड आर एब्जॉर्ब बाई एक्टिव प्रोसेस। यानी एल अमीनो एसिड तो कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब होंगे बेटा, एक्टिव प्रोसेस से। द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वाइल डी अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब पेसिवली बाई डिफ्यूजन। यानी डी अमीनो एसिड जो है वो तो कौन से मेथड से होंगे, डी अमीनो एसिड्स का तो पेसिव, और एल अमीनो एसिड का किस मेथड से होगा बेटा, एक्टिव मेथड से जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो होने वाला है। आगे लिखा हुआ है इसने, डाई एंड ट्राईपेप्टाइड एंटर्स इंटू एंटेरोसाइट्स, यानी वही म्यूकोजल एपिथीलियम जो थी उनके अंदर एंटर करेंगे। वेयर दे आर हाइड्रोलाइज्ड इंटू अमीनो एसिड, वहाँ उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड्स में, बाई डाईपेप्टाइडेज एंड देन एब्जॉर्ब बाय द पोर्टल वेन। और फिर इनको, इन अमीनो एसिड्स को आप डायरेक्टली किस में, वही कार्बोहाइड्रेट की तरह से इनको भी पोर्टल वेन में ऐड कर देंगे, और पोर्टल वेन इनको कहाँ लेके जाएगा बेटा, लीवर के अंदर जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करवा देगा। तो एक बार बेटा आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे बात करेंगे। देखो बेटा, फैट के एब्जॉर्प्शन की ये बात कर रहा है, इसमें लिखा है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का एब्जॉर्प्शन किस टाइप से होगा। देखो, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि फैट का एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होता है। बस यही याद रखना है अपने को, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होगा वो लैक्टियल के अंदर या लिम्फेटिक वेसल्स में होने वाला है। तीन पॉइंट याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि फैट का, लिपिड का एब्जॉर्प्शन काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में डायरेक्ट किस में होने वाला है, लैक्टियल सेल्स के अंदर या फिर आप लोग बोल सकते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। देखो इसमें लिखा हुआ क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड जो है इज हाइड्रोलाइज इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोग्लिसराइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स बनेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द बाइल सॉल्ट मोनोग्लिसराइड्स एंड द फैटी एसिड्स टुगेदर प्रोड्यूस ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज मिक्सड मिसेली। यानी ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगी बेटा, ये जैसे इनके साथ में बाइल सॉल्ट मिक्स होगा ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये मिशेल की फॉर्मेशन करेगा, मिशेल या मिशेली की। दीज आर वाटर सोल्यूबल एंड एंट्री इन टू द एंट्रोसाइट, यानी ये जो मिशेल है वो किस में एंटर करेगा बेटा, ये आपके इस टाइप से जो माइक्रोविलाइज थी, इस टाइप से इन माइक्रोविलाइज के पास में एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करते यहाँ पे इन सब्सटेंस के ऊपर मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ इनको। सपोज दैट ये फैट मॉलिक्यूल थे, इन फैट मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ हुआ, सॉरी ये मॉलिक्यूल यहाँ आए किसकी फॉर्म में, मिशेल की फॉर्म में, और इन मिशेल के ऊपर आते ही इनमें क्या हुआ, एक प्रोटीन की कवरिंग बन गई बेटा, इस टाइप से इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर किसकी, प्रोटीन की कवरिंग बन गई, और इन्हीं म्यूकोजल एपिथीलियम के अंदर जो है वो मिसेल की ऊपर के ऊपर क्या हुआ, इसकी कवरिंग बन गई। इस प्रोटीनेशियस कवरिंग वाले इस पार्टिकल को ही आप बोलते हैं काइलो, काइलो माइक्रोन, क्या बोलते हैं बेटा, काइलो माइक्रोन। और ये काइलो माइक्रोन जो है वो डायरेक्टली किस में जाएंगे, लैक्टियल सेल्स के अंदर जाएंगे, और लैक्टियल सेल से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, मैं भी इसका डायग्रामेटिकली व्यू भी आपको बताऊंगा। तो देखें लिखा हुआ क्या है इसने आगे, दीज आर वाटर सोल्यूबल एंटर इन द एंट्रोसाइट्स, एंट्रोसाइट मतलब वही कोलुमनर एपिथीलियम सेल्स की लाइनिंग जो है उसको बोलते हैं। मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स आर रीसिंथेसाइज्ड विद द एंट्रोसाइट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी वो रीसिंथेसाइज करेंगे, वापस जुड़ जाएंगे किसमें, ट्राइग्लिसराइड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स कम्बाइंस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी एक ट्राइग्लिसराइड किसके साथ मिक्स हुए बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंड रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। और प्रोटीन के साथ मिक्स होते इनसे क्या बन गया बेटा, ये काइलोमाइक्रोन बना, और काइलोमाइक्रोन्स एंटर इनटू लैक्टियल, और ये डायरेक्टली किस में एंटर करेगा बेटा, लैक्टियल के अंदर में एंटर करेगा। आगे लिखा हुआ है, फैट सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब अलोंग विद द डाइटरी फैट्स, वेयर एज वाटर सोल्यूबल विटामिन आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन। यानी ये तो डायरेक्टली किसके साथ, फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होंगे, जबकि जो वाटर सोल्यूबल है वो बाय डिफ्यूजन हो जाएंगे। विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब विद द इंट्रिंसिक फैक्टर बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स,
यानी विटामिन B12 जो है उसका इंट्रिंसिक फैक्टर्स की हेल्प से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्ब होगा। आगे लिखा है इन इलियम पार्ट के अंदर विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा इन कॉलन पार्ट ओनली वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इसके आगे लिखा ऑल लिम्फ कैपिलरीज कमिंग आउट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखो इस लेक्टियल सेल से आगे ये ओपन किस में होगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर होगी, और लिम्फेटिक कैपिलरी से क्या बनेगी बेटा, लिम्फेटिक वेन्स बनेगी। कैनाल्स यूनाइट टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स बनाएगी। ऑल लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स कमिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ओपन इन टू द लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। किस में जाएगी बेटा, ये लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में जाएगी जो राइट साइड में होती है। दीज डक्ट सॉरी लेफ्ट साइड में होती है। दीज डक्ट नाउ ओपन्स इन टू द लेफ्ट सब क्लेविकल वेन, और ये सारे की सारी मिलकर किस में ओपन होगी, सब क्लेविकल वेन के अंदर। थ्रू द ब्लड फैट रीचिज द हार्ट एंड फ्रॉम हेयर इट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। और यहीं से क्या होती है कि इसी के थ्रू जो ब्लड फैट है वो हार्ट में जाएगी, और हार्ट के बाद में अलग अलग पार्ट के अंदर क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, अपने कहीं विलाई की स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से ड्रॉ की थी। इस विलाई के अंदर अपने को ये कन्फर्म था कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, ये देखो ब्लड वेसल जो है वो आ रही थी, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन के बाद ये देखो ब्लड कैपिलरीज बन रही है, इसके बीच का ये ग्रुप बन रहा है, और इन्हीं के बीच में आप लोगों को लैक्टियल मिल रही थी। देखो आर्टरियो आर्टरिया आ रही थी, और ये जो आर्टरियोल है ये इससे फूड लेके एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इस एरिया से फूड जाने वाला है, विलाई या ग्रेटली एनलार्ज स्ट्रक्चर जो थी उनके थ्रू जो फूड है वो इस ब्लड के अंदर जाएगा या फिर इस लैक्टियल के अंदर जाएगा। तो इन विलाइज के थ्रू ब्लड सॉरी जो फूड है वो मेटीरियल किस में जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या जाएगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड किसके अंदर जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो है वो किस में जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। मोनोसेक्राइड किसके अंदर जाएंगे बेटा, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। और वेन्यूल जो है वो भी किसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन में ओपन हो जाती है, यानी लीवर में एंटर करने वाली है। ध्यान रखें कि ये जो मटेरियल है वो डायरेक्टली हेपेटिक वेन्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। जबकि फैट मॉलिक्यूल की बात करें, फैट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन इन काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में हुआ, और ये काइलोमाइक्रोन लैक्टियल के अंदर एंटर किया। ये लैक्टियल है बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स है एक टाइप से, इस लैक्टियल में एंटर किए, और ये लैक्टियल से जो फैट मॉलिक्यूल है वो लिम्फ के साथ मिक्स होकर किस में जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक से ये किस में गए, थोरेसिक डक्ट के अंदर, और थोरेसिक डक्ट के बाद में किस में गए, लेफ्ट सब क्लेविकल वेन्स के थ्रू किस में एंटर करेंगे, हार्ट में। और हार्ट के बाद में ये कहाँ आएंगे बेटा, ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फैट का एब्जॉर्प्शन जो है वो काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू किस में जाएंगे, लैक्टियल में। लैक्टियल से किस में जाएंगे बेटा, लिम्फ के अंदर। लिम्फ से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, और लिम्फेटिक वेसल्स से ये किस में चले जाएंगे, ये आपके लेफ्ट सब क्लेविकल वेन्स के थ्रू किस में आएंगे, यानी ये इस एरिया में आके लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड कैपिलरी जहाँ मिक्स होती है वहाँ से ये किस में जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा अपने, आगे बात करेंगे तब आप लोगों को इसका और ज़्यादा आइडिया जो है वो हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट लें बेटा, देखिए इसके बाद अपने टॉपिक आ रहा है डाइजेशन के बाद, यानी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद आप लोग लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं इजेशन और डिफिकेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है या डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के बाद जो फिकल मैटर बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से आउटसाइड रिलीज करने का जो प्रोसेस होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, इजेशन और डिफेकेशन जो है वो आप बोल सकते हैं, यानी उसको बॉडी से बाहर निकालने की एक्सक्रीटा जो है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इजेशन और डिफेकेशन बोला जाता है। इसके बाद अपने बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ये कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेडवर्म,
हुक वर्म और पिन वर्म, ये सारे के सारे पैरासाइट है, और अलग अलग क्लास से आप लोगों ने इनके नेम सब की जगह स्टार्ट जो स्टडी है वो आप लोगों ने कर रखे थे, कहीं वर्म्स के अंदर स्टडी किया था, चाहे वो आपके एस्केलमेंथीज के अंदर आए, चाहे प्लेटी एलिमेंथीज के अंदर आए, तो सब के सब आप लोगों ने नेम इनके डिस्कशन सुन रखे हैं पहले ऑलरेडी। तो ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं इंटेस्टाइनल के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो है इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि कुछ इन्फेक्शन है, जैसे सॉरी डिसऑर्डर है, जैसे एक ने लिखा है जॉन्डिस, इसमें लिखा है कि द लीवर इज अफेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, जनरली लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन एंड आईज जो है वो टर्न येलो, यानी आँख और जो स्किन है वो येलो हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट जो है उसके डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, बिल रूबिन जो है या बिली वर्डिन जो है उनकी वजह से क्या हो जाता है, जॉन्डिस या पीलिया जो है वो हो जाता है। एक प्रोसेस आती है वॉमिटिंग की, इट इज़ द इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी स्टमक का जो कंटेंट है उसका माउथ के थ्रू बाहर आना ही क्या है आपके वॉमिटिंग है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाई द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला, यानी अपने ब्रेन के अंदर एक सेंटर आता है बेटा जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉगेटा, उसी सेंटर के अंदर वॉमिट सेंटर होता है, और उस सेंटर के थ्रू ही ये जो इजेशन होता है इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ए फीडिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग, यानी कई बार क्या होता है कि जो फीडिंग की प्रोसेस होती है, नोजिया के जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये वॉमिट जो है वो हो जाती है। आगे इसने लिखा डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फिकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो फिकल मैटर है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर, लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर रिलीज होता है, उसी को डायरिया या लूज मोशन बोल सकते हैं। आगे इसने लिखा कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फिकल और रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, यानी फिकल्स जो है फिकल मैटर जो है वो रेक्टम में रहेगा, एज द बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, यानी बाउल मूवमेंट जो है वो इरेगुलर का मतलब है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रही थी पेरिस्टेलिस्टिक मूवमेंट जो है वो इरेगुलर होने लग जाती है, जिसकी वजह से या तो फिकल मैटर जो है वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है या रेक्टम के अंदर ही पड़ा रहता है, या फिर ये फिकल मैटर जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर डिस्चार्ज होता है, जिसको डायरिया बोल देते हैं, अदरवाइज उसको कॉन्स्टिपेशन बोल देंगे। आगे इसने लिखा हुआ है इनडाइजेशन, इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए अपने को ऐसे लगता है कि हम तो फुल हो गए। दिस कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एनेक्जिटी, फूड पॉइजनिंग और ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड, इनकी वजह से क्या हो सकता है आप लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइसी फूड ले सकते हैं या ज़्यादा खा लिया आप लोगों ने, या फूड पॉइजनिंग हो सकती है एनेक्जिटी की वजह से हो सकती है, या सिक्रीशन जो एंजाइम्स है उनका इरेगुलर सिक्रीशन जो है वो भी क्या कर सकता है इनडाइजेशन की प्रोसेस कर सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा।